सर मैं गाना सुना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, पूरी दुनिया झूमने वाली है इसमें, शराब में सब झूमने झूम, मतलब सबको काफ़ी प्यारा सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। मैं जानना चाहूँगा ये कॉन्सेप्ट, इतना यूनिक सा कॉन्सेप्ट आपके मन में आया कहाँ से और शुरुआत कहाँ से हुई? बस शुरुआत तो इस गाने की ऐसे हुई कि बस हम ऐसी बाहर स्टूडियो में, मैं डबिंग चल रही थी मेरी किसी गाने की, तो बाहर बैठे थे तो ऐसे ही थॉट आया कि एक शराब के ऊपर गाना बनाते हैं। तो फिर ये थॉट था कि कोई लड़की, आइटम नंबर ये सब नहीं करना, कुछ अलग थॉट लाते हैं। तो फिर बैठे बैठे एक थॉट आया कि जाने मन शराब ऐसा, तो फिर उसको करते करते ग्रो किया। फिर राइटर ने लिखा कि तू खुशी से यूँ चढ़ी है मुझको बेहिसाब, क्या कहूँ मैं जाने मन चरा। तो वहाँ से एक शुरू हुआ ये प्रोसेस, फिर कंपोज किया इसे, फिर बनाया। तो काफ़ी टाइम लग गया इस गाने को बनाते बनाते, बट बहुत ही अलग गाना है, बहुत ही मतलब हमने जब बनाया तब भी हम इतना इन्जॉय कर रहे थे बनाते हुए, तो काफ़ी मज़ा आया इस गाने को बनाने में। और देखो दुनिया भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है गाने को, साथ ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो मिल रही है सॉन्ग को। मैं जानना चाहूँगा आपके फ्रेंड फैमिली इस सॉन्ग को लेकर क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गाना है, अभी तक जितने भी गाने किए हैं बहुत अलग गाना है, तो उस हिसाब से मतलब बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा, सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं गाने की। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इतनी मेहनत की है गाने पे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हर जगह से। मेहनत निकल के सामने भी आई है, लोग देख रहे हैं, बहुत प्यारा सॉन्ग है। एक सिंगर के साथ साथ एक एक्टिंग भी आप कर रहे हैं, तो कितना ईजी और कितना डिफिकल्ट है आपके लिए? कुछ नहीं, ऐसा डिफिकल्ट तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस था सेट पे और सब कुछ बहुत बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से हो गया। मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि यार ये नहीं हो रहा या ऐसा है वैसा। हाँ बीच में सेकेंड डे मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था शूट पे, तो काफ़ी पेन था, बहुत सूज गया था पैर, लेकिन फिर भी शूट कंप्लीट किया क्योंकि सबकी इतनी मेहनत लगी होती है ना, मेरी हो चाहे डायरेक्टर की हो, DOP जितने भी लोग हैं, जितना भी क्रू था वहाँ पे, तो सबकी बहुत मेहनत लगी। तो बट वो किया जैसे तैसे करके शूट किया कि नहीं शूट को कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। साथ ही मैं बात करूँ कंपोज़र की, लिरिक्स की, बहुत ही प्यारा है, उसको लेकर क्या कहना है आपको? कंपोज़र साहिल भाई ने गाना, मतलब उनके तो सारे जितने हम गाने बनाते हैं बेस्ट गाने मतलब, बट बहुत अच्छा लगा। और उनका बहुत अलग काम कर रहे हैं वो इस टाइम पे, और उनका माइंड प्रोसेस बहुत ही अलग है, जैसे अभी गाने आ रहे हैं बाकी लोगों के भी, हम कुछ अलग करने की ट्राई कर रहे हैं और लोग उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस मतलब टचवुड ऐसे गाने हम आगे और बनाते जाएं। अभी पूरी एल्बम है ये जिसमें 8 गाने हैं, जिसमें से पहला गाना ये रिलीज़ किया, आगे आप और गाने सुनोगे तो उसमें सब बहुत अलग अलग गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। साथ ही ये तो एल्बम है, इससे पहले आपका सॉन्ग भी आ चुका है यहाँ, काजल तेरा ही नशा, तो उन दोनों सॉन्ग को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छे, मेरे दिल के बहुत करीब भी गाने हो, और बहुत अच्छा रिस्पांस था उन गानों पे भी, आके काजल पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उन गानों के मतलब मैं एक कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ डिफरेंट हो हर चीज़, मतलब जैसे सब आजकल काम कर रहे हैं उससे आप देखा होगा या आपने सुना होगा कि मेरे गाने बहुत, मैं बहुत अलग तरीके से गाने कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तो आपको नया देना ही पड़ेगा, तभी आपकी एक्सेप्टेंस होती है इंडस्ट्री में। तेरा ही नशा भी बहुत काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग था, आप बहुत अच्छा सॉन्ग था। थैंक यू। उसकी किस तरह की जर्नी रही आपको? बहुत अच्छी रही, मुझे लगता है लेबल पे जो मेरा अपना लेबल है उस पर 1 साल बाद कम बैक किया उस गाने से मैंने, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उस गाने का, और थोड़ा पैपी विद रोमांटिक था वो गाना, तो वो गाना भी मतलब बहुत दिल से हम लोगों ने बनाया था, और उस गाने का मतलब मैं ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस था दोनों ही गाने का, आंखें काजल का भी और इसका भी। अब इस गाने से तो अलग ही प्यार मिल रहा है लोगों का, और बस यही, बस मैं तो थैंक यू बोल सकता हूँ, और यही है कि जितना सुन सकते हो गाने को, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। अभी रील्स भी काफ़ी बन रहे हैं आपके सॉन्ग के ऊपर, लोग काफ़ी स्पॉटेड में भी रील्स की आपका सॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो रील्स का जो ट्रेंड चल रहा है आप इसको किस तरह से देखते हैं?
मुझे लगता है सोशल मीडिया इस टाइम पे बड़ा बहुत ही ज़्यादा एक मेन पार्ट बन चुका है गानों के लिए, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब इतने बड़े बड़े पेजेस गाना यूज़ कर रहे हैं और डाल रहे हैं, तो काफ़ी, और मतलब खुद को एक खुशी मिलती है ना यार, मतलब किसी के पीछे गाना चल रहा है तो साउंड बहुत अच्छा कर रहा है, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं लग रहा यार किसका क्या है, क्या गाना है, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत हिट गाना चल रहा है पीछे, तो एक बहुत इमोशनली बहुत खुशी होती है कि यार हाँ, बहुत जिस चीज़ के लिए आपने इतने अच्छे से मेहनत से बहुत, मतलब बहुत टाइम लगा इस गाने को, क्योंकि एक थॉट ऐसा था कि बहुत डिफरेंट था और कुछ अलग करना था, तो इसको काफ़ी टाइम लगा, राइटर जो है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा गाना, तो बस यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बाकी तो अभी 2 दिन ही हुए हैं, आगे देखते हैं इसको, और बड़ा मतलब कोशिश है कि हिट करें, सब प्यार दें। सर, साथ ही में आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि एक अगर आम लड़का सिंगर बनना चाहे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और आप इस मुकाम पर पहुँचे हो, तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा और किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? आप पहले से ही सिंगर बनना चाहते थे? बिल्कुल, मैं 5 साल का था, मैं तब से ही मेरा एक ही फोकस था कि मुझे सिंगर ही बनना, तो बचपन से ही उस एज में लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं, बट मेरा एक ही फोकस था कि मुझे सिंगर बनना, तो वहाँ से एक जर्नी तब से ही चल रही है सीखना, फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया, फिर मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद फिर मैंने गाने करने शुरू किए, 2021 में मेरा गाना गाया, तो वहाँ से एक, ठीक है, मेरे लिए बहुत नया था सब कुछ, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है इस बैकग्राउंड से, म्यूज़िक बैकग्राउंड से, तो सीखना कैसे क्या चीज़ें होती हैं, चाहे वो गाने हो, वीडियो हो, लोग हो, चाहे मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, तो बहुत कुछ सीखा, काम किया, और सीख सीख के आज मतलब एक खुशी अलग ही है कि इतनी मेहनत करने के बाद हम किसी मुकाम पे पहुँचे, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं स्टार्टिंग में कि मतलब ऐसा होता है कि हाँ भाई आ जाओ हम करा, बट मुझे लगता है आपको जब तक आप खुद से ना सीखो चीज़ें, खुद स्टेप इन करके चीज़ों को ना सीखो, तो तब तक कोई पॉइंट आपको, मैं इनफैक्ट जितने भी नए लोग इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि भाई चाहे आप 6 महीने लेट काम कर लेना, लेकिन प्लीज़ सब कुछ सीख के आना, मतलब किसी पे इतनी जल्दी भरोसा मत करना, इस क्योंकि भरोसा करना इस लाइन में मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे ही होते हैं वो लोग भी, बट ठीक है, कैसा दिमाग चलता है आई डोंट नो, बट सीख क्या है तो ज़्यादा बेटर, मैं इतना कहूँगा। जैसे कि आपने कहा भरोसा, तो आपके साथ कभी कुछ फ्रॉड हुआ इस लाइन में कि आपका सॉन्ग मैं बना देता हूँ फिर अचानक रिलीज ही ना हुआ हो? वो ठीक है, वो सब बातें मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा, बट हुआ, मैं तभी वो एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, और तभी कह रहा हूँ कि सीख के आओ तो ज़्यादा बेटर, खाली ये नहीं कि सीखना गाना सीखने की बात कर रहा हूँ, नहीं, मतलब इसमें क्या कैसे इसका प्रोसेस क्या है वो सीख के आना बहुत इम्पोर्टेंट सिंगिंग की बहुत से रियलिटी शो इंडियन आइडल है, क्या आप कोई रियलिटी शो में जाना पसंद है? नहीं, अभी तो नहीं, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंटली ही, मतलब ये बहुत कुछ लाइनअप है, और अभी कोई शो करना तो अभी मुझे नहीं लगता कि हाँ अभी ये राइट टाइम है मेरे लिए, क्योंकि आगे चल के आप करना चाहोगे? ज़रूर कभी मौका मिला तो ज़रूर करेंगे, बट अभी अभी तो इतना बड़ा 1 साल का पूरा प्लान है, क्या आना है क्या नहीं आना, तो अभी तो उस पर ही फोकस है, अभी एल्बम है, एल्बम ही मतलब जनवरी में हम पूरा एल्बम रिलीज़ करेंगे, और उसके बाद फिर मार्च अप्रैल तक बहुत चीज़ें हैं जो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, तो ठीक है, अभी मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैं अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, और आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर प्लेबैक भी करेंगे, और हो सकता है आप ज़रूर सुनो आगे कुछ बड़ा। सिंगिंग की दुनिया में एक गुरु होता है,